तो आज हम लोग पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का रचना याद कैसे करें, कैसे लिखना है जीवन परिचय, कितना लिखना है, तीन नंबर में आता है तो तीन नंबर में कैसे लिखें, अब पाँच नंबर कर दिया इस बार, पाँच नंबर में कैसे लिखें, अब हर साल तीन नंबर में लिखा जाता था, इस बार पाँच नंबर में लिखा जाएगा जीवन परिचय, पाँच नंबर वाला जीवन परिचय कैसे लिखें, तो ये देखा जाए कितना लिखना है, कितना लाइन लिखना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, पाँच नंबर के लिए कितना लिखना है, तो दो रचना लिखना है आपको और तीन नंबर का जीवन परिचय लिखना है, तो कितना लिखना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का नाम दे दिया, लिख देंगे, पहले बात तो लिखना ही पड़ेगा और जीवन परिचय का नाम डालना ही पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। और डालने के बाद आपको कुछ बना कर लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे बना कर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए भारत का, देखिए कैसे हम बना कर लिखे हैं, बना कर कैसे आपको लिखना है। देखिए भारत के प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद, ये नाटककार हैं, का जन्म सन ऐसे तो ये सिंपल भाषा में 1889 में काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, पिता का भी नाम डाल दीजिएगा। और ये जो काम करते थे वो ठीक है, अब यहाँ देखिए ये सब में ऐड कर सकते हैं, उनकी दानशीलता और उदारता कारण वह विद्वानों और कलाकारों के बराबर समादार हुआ करता था। देखिए ऐसे भी एक मतलब बनाकर कुछ भी जैसे वर्ड आपको जो अच्छा लगे वो बना कर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से कलाकारों का बराबर सदा, यहाँ तो हो गया शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ, ये सब में ऐड कर सकते हैं, सब में ऐड कर सकते हैं। बचपन में पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी शिक्षा घर पर हुई, ये तो ये सब में ऐड नहीं कर सकते, बाकी इनके ही मतलब मृत्यु में पिता की मृत्यु हुई, बाकी दूसरे जीवन परिचय में ऐड कर सकते हैं कि इसे इनके घर की स्थिति खराब होने के कारण कि घर के मतलब इनकी जो शिक्षा दीक्षा प्रारंभ घर पर ही हुआ, ठीक है, वैसे लिख सकते हैं। देखिए गृह व्यापार को संभालते हुए इन्होंने सुविधायक विषय ध्यान दिया, मतलब ये भी सब में ऐड कर सकते हैं, जैसे घर का जो ध्यान रखते हुए वो सुविधायक पर स्वयं ध्यान रखा। और देखिए कुछ नहीं लिखना है। अब देखिए इन्होंने विषय ध्यान दिया और इन्होंने सुविधायक के कारण अंग्रेजी हिंदी ये सब में ऐड कर सकते हैं, ये वाला जो है ना ये सब में ऐड कर सकते हैं, ऐसे ऐसा वर्ड बनाया है ना ये सब में ऐड कर सकते हैं, जैसे घर की स्थिति कारण ये इन्होंने उर्दू संस्कृत सारी स्वाध्याय के कारण ही ग्रहण किया था। अब देखते हैं नीचे, जो नीचे दिया गया भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिए और ये जो हम लिखे हैं ना वर्ड ये आप सब में ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम बता रहे हैं बाल अवस्था में जो है ना यहाँ से ये सारे ऐड कर सकते हैं, बाल अवस्था में इनको मतलब काव्य प्रति अनुराग था इसलिए वो उनका जीवन इसी में स्वयंशील रहा, ये वो सब लिख सकते हैं। और यहाँ से तो उनकी मृत्यु जब हुई यहाँ से या हो मरे या स्वर से धर गए, ये वर्ड अच्छा रहेगा आपके लिए, जैसे कब मरे थे, क्षय रोग के कारण मर गए थे 1937 में, तो आपको ऐसे ही लिखना है जीवन परिचय। और जितना रचना हो सके उतना रचना लिख दीजिएगा, ठीक है, जितना याद है, तो आपको ये दो नंबर इसमें मिल जाएगा, तीन नंबर इसमें मिल जाएगा, तो बस, ठीक है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइए जरूर।